अस्सलामुअलैकुम, सभी को ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो चलिए शीर कोरमा बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 खजूर, 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू और 1 टीस्पून चिरौंजी लिया है। और यहाँ इन सबको हम मिक्सी में पीस कर डालेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ काजू, बादाम और चिरौंजी ली और थोड़ा मावा लिया है और 2 इलायची ली है। ये हम रोस्ट करके सेवई में डालेंगे। ये मैंने 50 ग्राम सेवई ली है। चलिए अब हम एक पैन में थोड़ा घी डालकर अपने कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी में हम अपनी सेवैयाँ डाल के रोस्ट कर लेंगे। सेवैयाँ हमें धीमी आंच पे ही रोस्ट करनी है। ये अब हम यहाँ पर 2 लीटर दूध लेते हैं। इसमें मैंने 2 इलायची डाल दी है इसके टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। अब इसमें हमें अच्छा से एक बॉयल दिला लेना है। बॉयल दिलाने के बाद हम इसे थोड़ा सा धीमी आँच पर पकाना है ताकि दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब हम इसमें 1 पिंच पीला फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आपके पास केसर हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने येलो फूड कलर ही इसमें ऐड कर दिया। अब हमें इसे अच्छे से पकाना है। अब हमने जो खजूर का पेस्ट ग्राइंड किया था अब इसमें हम वो ऐड करेंगे, और जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था ड्राई फ्रूट्स है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हमारा दूध पक गया, हम इसमें 150 ग्राम के करीब चीनी डालेंगे। अब हम यहाँ पर अपने जो ड्राई फ्रूट्स और मावा रखा था वो इसमें डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा शीर कोरमा तैयार।